केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज बजट पेश किया। इस बजट में कई ऐसी बातों का ध्यान रखा गया जिसमें आम लोगों की नज़र टिकी हुई थी, खास करके हेल्थ सेक्टर और बेसिक सुविधाओं पर खास फोकस किया गया। कई लोगों का मानना है कि यह बजट एवरेज था, तो वहीं कुछ लोग बता रहे हैं कि आम लोगों के लिए ये महज एक लॉलीपॉप रहा। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार को इस बजट से कुछ खास हाथ नहीं लगा है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। आज निर्मला सीतारमन ने यूनियन बजट पेश की और इस बजट में कई बातों का ध्यान रखा गया, लेकिन बिहार की अगर बात करें तो राज्य के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं रहा। कोई इसे औसत दर्जा क्या बता रहा है तो कोई इसको संतुलित बता रहा है। सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। ये आम बजट जो है, इस आम बजट से देश का भला होने वाला नहीं है, ये दिख रहा है। इसलिए इस सरकार के रहते देश का भला होने वाला नहीं है और डबल इंजन की सरकार से बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं, तो 39 सांसद बिहार के कर क्या रहे हैं। इसलिए ये बजट गरीब विरोधी है, जन विरोधी है, किसान विरोधी है। केंद्र की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है और पिछले 5-6 वर्षों की तरह इस बार का भी बजट जो है वो सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए है। इस बजट से भारत के साथ साथ बिहार के लोगों को भी काफ़ी उम्मीद थी। जो कोरोना काल के बाद यह पहला बजट था जिससे लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन जिस प्रकार का बजट पेश किया गया है उससे लगता है कि कोरोना काल का भरपाई अगले 15 साल में भी हम नहीं कर सकते हैं अगर इस प्रकार का बजट रहा तो। बिहार का परिप्रेक्ष्य हम देखें तो न किसानों का ध्यान रखा गया, न बेरोजगारों का ध्यान रखा गया, न मजदूरों का ध्यान रखा गया, न छोटे उद्योगों का ध्यान रखा गया। यहाँ तक कि जो शुगर मिल अभी बंद हो रहा है वह कैसे पुनर्व्यवस्था में रहे इस पर भी कोई बजट नहीं किया गया। बिहार में जो नए मेट्रो की बात चल रही थी, पटना से बेटा जो नया एयरपोर्ट बन रहा है उसमें मेट्रो दिया जाएगा, पहले घोषणा किए थे, इस बजट में प्रावधान क्यों नहीं किया गया। किसानों की आय दोगुनी की बात इन्होंने की, कैसे करेंगे। 2015 में भी प्रधानमंत्री बोले थे किसानों की आय दोगुना होगा, आज 2021 में भी बोला जा रहा है कि 22 में दोगुना होगा, 22 में एक साल बचा है। तो विजन लेस बजट है यह बजट, न किसी के हित का नहीं है, हित है तो मात्र 10-15 उद्योगपतियों का। हम मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का पुराना मांग रहा है बिहार के विशेष राज्य का दर्जा, पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तब्दील करना, ऐसे अनेक उनके मांग थे जिसको प्रधानमंत्री जी सिरे से खारिज कर दिया। अब तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को बिहार के अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के लेना चाहिए, क्योंकि तो कहे थे कि हम इसलिए एनडीए में जा रहे हैं महागठबंधन छोड़ के कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। कहाँ मिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, बिहार पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाएंगे, क्यों नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी से जो जो चीज़ बिहार के लिए नीतीश कुमार जी मांगते हैं प्रधानमंत्री जी इनको अपमानित करने के लिए नहीं देते हैं। अब मुख्यमंत्री जी की बारी है कि भारतीय जनता पार्टी के छोड़े और अलग राह अपनाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बार बार बिहार को अपमानित कर रहे हैं। बजट पेश किया गया और मेरा साफ मानना है और हमारे पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ये बजट नहीं था बल्कि देश का सेल था। देश निर्माण के लिए कोई बजट नहीं बल्कि ये देश बेचने का बजट था। आप लोग सब लोग जानते हैं, पहले रेलवे को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, भारत पेट्रोलियम को बेचा गया, तरह तरह की संस्थानों के संपत्तियों को बेचा गया और ये पूरी तरीके से जितने प्रतिष्ठान हैं और जितनी संपत्तियां हैं बची हुई देश की, उसको बेचने की तैयारी और निजी क्षेत्रों में देने की तैयारी चल रही है। इस बजट में और क्या बिक रहा है, गैस पाइपलाइन है, स्टेडियम है, सड़क मार्ग हैं, वेयर हाउसेज हैं, जो देश की संपत्तियां रही उसको और बेचने की पुरजोर तरीके से तैयारी की जा रही है। आम नागरिकों का कमर तोड़ दिया गया है,
और केवल कुछ चंद लोगों का ही इस बजट में ख्याल रखने का काम भारत सरकार ने किया है। आप देखे होंगे कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और लोग कई एक बजट बिहार का देख लिया, भारत सरकार का देख लिया कि बिहार के लिए उन लोगों ने क्या किया। बिहार को पूरी तरीके से ठगने का काम किया गया और अद्भुत है, जब बिहार को कुछ नहीं मिल रहा था तो बिहार से जो जीते हुए 39 सांसद हैं वो टेबल थपथपा रहे थे। बिहार को एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं मिला, कोई विशेष पैकेज नहीं, स्पेशल स्टेटस तो दूर की बात है, लेकिन कोई एक काम ऐसा बिहार के लिए कोई योजना के तहत या कोई अलग बिहार को देखते हुए अगर कोई प्लानिंग अगर की गई होती तो शायद आप लोगों को हम लोगों को खुशी होती। लेकिन बिहार को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। हम तो बिहार के मुख्यमंत्री से पूछते रहेंगे कि केवल हाथ ही हिलाएंगे या बताएं कि बिहार को इस बजट से क्या मिला। बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो क्या दिख रहा है अलग, क्या आपको विशेष तौर पे बिहार को मदद मिली, सहयोग मिली, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में। पूरी तरीके से बिहार के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया और केंद्र सरकार लगातार जो है ये कहती रही है कि 2022 तक जो है किसानों का आय दुगुना करेंगे, लेकिन 2020 में ही भिखारी बनाने की तैयारी केंद्र सरकार ने कृषि बिल के माध्यम से कर दिया है। बिहार की क्या दयनीय स्थिति है ये आप सब लोगों को पता है, धान के खरीद को लेकर के या जिस प्रकार से अलग विशेष अतिरिक्त बोझ डीजल पे बढ़ाया गया है, टैक्स बढ़ाया गया आम लोगों पर, ये सब लोग हम लोग देख रहे हैं। मुख्यमंत्री खामोश क्यों है इस बजट के आने के बाद, ये समझ में नहीं आ रहा। खामोशी शायद इसलिए है क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि बिहार को इस डबल इंजन की सरकार ने क्या दिया। ना कोई कारखाना, ना कोई उद्योग, ना रोजगार की चर्चा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, कोई है ना एग्रीकल्चर में कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं जहां बिहार को कुछ मिला। आप लोग याद कीजिए वो दौर जब लालू जी रेल मंत्री हुआ करते, इसमें तो रेलवे गायब ही हो गया। रेलवे को इसलिए गायब किया गया क्योंकि ये लोग लालू जी की तुलना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आदरणीय लालू जी ने रेलवे को चलाने का काम किया, हर एक साल 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया था और ऐसे में दिया था जब हर साल जो है किराया कम किया जाता। यही बिहार को लालू जी ने 3-4 कारखाने रेलवे ने उस समय बिहार को देने का काम किया। आज कहाँ है, क्या मिल रहा है बिहार को, और वो तब था जब यहाँ बीजेपी और एनडीए की सरकार थी, बिना पक्षपात किए हुए विशेष पैकेज 1,25,000 करोड़ का भी यूपीए के समय में बिहार को लालू जी ने दिलवाने का काम किया। आज तो हम लोग सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या मिल रहा है बिहार को। 39 सांसद जीत करके गए हैं, केवल ताली पीटने गए या बिहार के लिए आवाज उठाने गए हैं? आज दुर्भाग्य है जो लोग भी जीत करके थाली पीट टेबल पटपटकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से देश की जनता निराश है, आम नागरिक निराश हैं, परेशान हैं और पूरी तरीके से उन पे जो है अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी केंद्र सरकार ने की है। राज्यों में सड़कें बनाने की बात कही गई है, कोलकाता असम, क्या लगता है राज्यों में चुनाव होने हुए ये एक दिन से घोषणा की गई है? अब देखिए इसमें
समझदार को समझाने का कोई मतलब नहीं, सब लोग आप लोग समझदार हैं और सब लोग समझते हैं। चुनाव चुनाव हाँ समझ रहे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हैं उसका बार बार चीख चीख के नाम लिया गया, ये स्वाभाविक है ना। बिहार में भी वैक्सीन सबको मिल रहा था फ्री में, 19 लाख रोजगार जो है सभी लोगों को बिहार में मिल रहा था, आप तो इसकी चर्चा नहीं कीजिए क्योंकि उनके अनुसार तो वो चुनाव में जुमला होता है। तो जहाँ जहाँ चुनाव हैं वहाँ केवल घोषणाएं की गई हैं, काम नहीं करना है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही बीजेपी और एनडीए सरकार का काम है। यहाँ भी लोगों को ठगा गया, क्या क्या नहीं कहा गया था कि क्या नहीं करेंगे, डबल इंजन की सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक नई यूनिवर्सिटी का भी निर्माण बिहार में इस बजट में नहीं है, ना कोई अच्छे अस्पताल, ना कॉलेजेस, ना कोई अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं, कुछ भी अलग बिहार में नहीं है। बिहार के लेके अब तो देश को ही बेचने की तैयारी है। हम लोग तो ये बार बार से कह रहे हैं ये बजट बजट ही नहीं बल्कि सेल था, ये देश के निर्माण के लिए नहीं बल्कि देश को बेचने का बजट और सेल था। और ये आप सब लोगों ने देखा होगा और पूरी तरीके से पहले लोगों में उत्साह होता था कि हमारे लिए क्या मिलेगा, क्या सरकार आगे 5 साल का क्या काम रहेगा, इस साल का क्या काम रहेगा, लेकिन पूरी तरीके से निराशाजनक। इसके साथ ही इस बजट में महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए ये कहा गया है कि वो अब हर शिफ्ट में काम कर सकती है, यानी कि नाइट शिफ्ट में भी, और इसके लिए उनकी सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अगर बिहार के विशेषज्ञों की माने, अगर बिहार के अर्थशास्त्रियों की माने, तो उनका यही कहना है कि बिहार राज्य के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था, बिहार को सिर्फ और सिर्फ इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत